हमारा प्रश्न है, गुलबदन बेगम कौन थी? उसके द्वारा रचित हुमायूं नामा पर टिप्पणी लिखे, यानी गुलबदन बेगम कौन थी यह बताना है, या उसने जो हुमायूं नामा की रचना किया है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो आइए, बहुत ही जानदार शानदार प्रश्न है, इस प्रश्न का हम लोग आंसर देखते हैं। गुलबदन बेगम द्वारा रचित हुमायूं नामा से हमें मुगलों के घरेलू दुनिया की एक झलक मिलती है, यानी मुगल काल में क्या होता था, शाही परिवार में कौन कौन सी प्रथाओं का प्रचलन था, उसका झलक हमको देखने को मिलता है हुमायूं नामा में, और हुमायूं नामा की लेखिका है गुलबदन बेगम। आइए अब जानते हैं कि वह कौन थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, बाबर जिन्होंने मुगल वंश की स्थापना किया था उसी की पुत्री, हुमायूं की बहन, हुमायूं की बहन तथा अकबर की चाची थी। गुलबदन स्वयं तुर्की तथा फारसी में धारा प्रवाह लिख सकती थी, यानी तुर्की और फारसी भाषा का यह प्रकांड विद्वान थी और उस भाषा में वह धारा प्रवाह लिख सकती थी। जब अकबर ने अबुल फजल को अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था तो उसने अपनी चाची से बाबर और हुमायूं के समय के संस्मरण को लिखने का आग्रह भी किया था, यानी अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल था और अबुल फजल को अकबर ने इतिहास लिखने को कहा था, तो उन्होंने अपनी चाची को उसके जो पूर्वज थे बाबर और हुमायूं उसके समय के संस्मरण को भी लिखने के लिए कहा था, ताकि अबुल फजल उनका लाभ उठाकर अपनी कृति को पूरा कर सके, अर्थात हुमायूं नामा को पढ़कर अबुल फजल अपनी कृति को पूर्ण कर सके। गुलबदन ने जो लिखा वह मुगल बादशाहों की प्रशस्ति नहीं थी, अर्थात गुलबदन ने जो अपने लेख यानी हुमायूं नामा को लिखा वह मुगल बादशाहों की प्रशस्ति यानी उन पर उनके ऊपर लिखा गया पुस्तक नहीं था। उसने मुख्यतः राजाओं और राजकुमारों के बीच होने वाले संघर्ष और तनावों के बारे में लिखा था, यानी जो बादशाह होते थे उनके बारे में न लिखकर गुलबदन बेगम ने जो राजा और राजकुमार के बीच जो संघर्ष होते थे और जो तनाव होता था उनके बारे में मुख्य रूप से लिखा है। संघर्षों को सुलझाने में परिवार की वृद्ध स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में विस्तार से लिखा है और वह अपनी पुस्तक हुमायूं नामा में लिखती हैं कि जब राजा और राजकुमारों के बीच संघर्ष होता था या उन पर कोई तनाव की स्थिति बनती थी तब राजघराने की वृद्ध स्त्रियां उसको सुलझाती थी, यानी वृद्ध स्त्रियों को इन तनावों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दे ताकि इसी तरह का वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।